नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने अपने इतिहास में कई जंग जीती हैं। पहली वॉर आजादी के एकदम बाद लड़ी गई पाकिस्तान के खिलाफ, अक्टूबर 1947 से लेकर 1949 तक चली। फिर पाकिस्तान के साथ तीन और वॉर्स लड़ी गई, साल 1965, 1971 और 1999 में। इन सभी वॉर्स में इंडिया को जीत मिली अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी रिस्पेक्टिवली। लेकिन इन सब के बीच इतिहास में एक वॉर ऐसी थी जिसमें इंडिया को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। एशिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच में लड़ी गई ये जंग, जिसका असर आज के दिन तक दिखता है इंडिया चाइना के रिलेशंस पर। आखिर क्या कारण था इसके पीछे, आइए जानते हैं इस वॉर की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1949 से, जिस साल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सिविल वॉर जीतती है और एक नए चाइना का जन्म होता है। इसके लीडर बनते हैं माओ ज़ेडोंग। दूसरी तरफ सिर्फ दो साल पहले, साल 1947 में इंडिया को आजादी मिलती है ब्रिटिश राज से और देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोनों ही देश यहाँ पर काफी नए थे, यंग थे, और आज इमेजिन करना मुश्किल लगता है, लेकिन उस समय में इन दोनों देशों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी, उल्टा एक दूसरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के कई कारण थे। साल 1954, पंडित जवाहरलाल नेहरू बीजिंग जाते हैं एक दौरे के लिए और उनका तालियों से स्वागत किया जाता है। बहुत सी एक्चुअल फोटोज मौजूद है इस ट्रिप की, बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि कितने वार्मली इन्हें वेलकम किया गया चाइना में। इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल था, दोनों ही देशों ने बहुत सफर किया था वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर्स के हाथों और ये एशिया के दो सबसे बड़े देश थे, तो हर किसी को इनकी दोस्ती में उम्मीद दिखती थी कि एशिया उभर कर निकलेगा और वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट के खिलाफ एक स्टैंड लेगा। पंडित नेहरू माओ ज़ेडोंग के साथ बैठकर करीब 4 घंटे की बातचीत करते हैं। माओ इन्हें बताते हैं कि कैसे दोनों ईस्टर्न कंट्रीज को बुली किया गया है वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट ताकतों के द्वारा और दोनों को सॉलिडैरिटी में एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। पंडित नेहरू जवाब में कहते हैं, द टू कंट्रीज वर बाउंड टू अटेन इमेंस इन्फ्लुएंस गिवन द नंबर ऑफ पीपल दे कॉन्स्टिट्यूटेड। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा यहीं से ही पॉपुलराइज किया जाता है पंडित नेहरू की तरफ से। इस वक्त दोनों देशों के बीच में बॉर्डर्स को लेकर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स थे, लेकिन दोनों देश एग्री करते थे कि हमें कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहिए और एक पीसफुल रिलेशनशिप बनानी चाहिए। इसी के चलते जून 1954 में एक सीनो इंडिया पंचशील एग्रीमेंट साइन करी जाती है। इस एग्रीमेंट में 5 प्रिंसिपल्स लिखी जाती है। दोनों देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगा यहाँ पर और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम होगा और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगी। इन सब हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के बीच में टिबेट का एक मुद्दा था जो प्रॉब्लम की जड़ बन रहा था। साल 1950 में माओ ज़ेडोंग ने एक्चुअली में टिबेट को इन्वेड कर दिया था। इंडिया इसके सख्त खिलाफ था, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। 1954 में पंडित नेहरू ने जब ये पीसफुल एग्रीमेंट साइन करी तो उन्होंने सोचा कि टिबेट के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे बड़े जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया को खतरा उस वक्त था पाकिस्तान से और पाकिस्तान एक्चुअली में अमेरिका के साथ एलाय करना शुरू कर चुका था कोल्ड वॉर के दौरान। कोल्ड वॉर जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में हो रही थी, पंडित नेहरू एक न्यूट्रल स्टांस रखना चाहते थे इसमें, लेकिन पाकिस्तान जब अमेरिका के साथ एलाय करेगा तो इससे पाकिस्तान और ताकतवर बन रहा है, इसलिए नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पंडित नेहरू ने सोचा चाइना के साथ एलाय करना यहाँ पर सही चॉइस होगी। पंडित नेहरू ने जो इस पर स्टेटमेंट दी थी वो कुछ ऐसी थी, द यूनाइटेड स्टेट्स इमेजिन्स दैट बाय दिस पॉलिसी दे हैव कंप्लीटली आउटफ्लैंक्ड इंडियाज सो कॉल्ड न्यूट्रलिज्म and will thus bring India to her knees. Whatever the future may hold, this is not going to happen. इसलिए 1954 की ये जो इंडिया-चाइना के बीच में पीस एग्रीमेंट है, इसे इस कॉन्टेक्स्ट से देखा जाना चाहिए। उन दिनों चाइना की सरकार के इंचार्ज थे जो इनलाई, जिन्हें चाइनीज प्रीमियर कहा जाता है। ये चाइना में सेकंड हाईएस्ट पॉलिटिकल पोस्ट है, माओ ज़ेडोंग सबसे ऊपर और जो इनलाई उनके नीचे। ये साल 1956 तक बड़े आराम से ओपनली कहते थे कि चाइना का कोई क्लेम नहीं है किसी भी इंडियन टेरिटरी पर, इवन दो चाइनीज नक्शों में अक्सर 120,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन टेरिटरी चाइना का हिस्सा दिखाई गई थी। जब जो इनलाई से सवाल किया जाता था इसको लेकर, तो वो कहते थे कि नक्शों में गलती है,
चाइना की तरफ से बेसिकली अनरिलायबल कम्युनिकेशन थी इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर, लेकिन हमारी कहानी में पहला मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टिबेट ही बनता है साल 1959 में। इसकी बात मैंने टिबेट वाले वीडियो में डिटेल में करी है। ये वो साल था जब टिबेट में हालत बद से बदतर हो रही थी। चाइनीज आर्मी टिबेट के लोगों पर बेहद अत्याचार कर रही थी और दलाई लामा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। एक बड़ा ही मुश्किलों भरा सफर तय करने के बाद वो इंडिया में रेफ्यूज लेते हैं। ये कहानी अपने आप में ऐतिहासिक है और बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चाइना को लगता है इंडिया ने धोखा दिया है, इंडिया इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है चाइना के, और आगे कैसे तनाव बढ़ता है इन दोनों देशों के बीच में उसकी बात करने से पहले आइए बॉर्डर्स पर एक नजर डालते हैं। इंडिया और चाइना 4000 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं एक दूसरे से, जिसे 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है वेस्टर्न सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में। ये 2150 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसका एक बड़ा हिस्सा चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसे हम अक्साई चिन करके पुकारते हैं। इसके नीचे आता है मिडिल सेक्टर, 625 किलोमीटर बाउंड्री लाइन, जिसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है इतनी। हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल इस बॉर्डर को शेयर करते हैं और यहाँ कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें सिक्किम के साथ बाउंड्री आ जाती है और अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश वाला जो बॉर्डर है उसे मैकमहन लाइन बुलाया जाता है और चाइना क्लेम करता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया ही उनका है। वैसे उस वक्त कोई अरुणाचल प्रदेश की स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये सारा एरिया आसाम स्टेट के अंदर ही आता था। अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ 1987 में ही फॉर्म किया गया था, तो तब इस रीजन को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी करके पुकारा जाता था, NEFA। एक्चुअली इस नाम के पीछे कारण है ब्रिटिश एम्पायर। साल 1826 में ब्रिटिश ने मणिपुर और आसाम में बर्मीज को हराया था पहली एंग्लो बर्मीज वॉर में। उसी के बाद ही था कि ये एरिया ब्रिटिश राज के कंट्रोल में आया। 1875 के बाद से जाकर उन्होंने इस एरिया की ज्यूरिसडिक्शन प्रिपेयर करनी शुरू करी और साल 1912 और 1913 में जाकर इन्होंने वहां मौजूद इंडिजिनस लोगों के साथ काम किया और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स बनाए। यहीं से ही ये नाम आता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चाइना इस रीजन को अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मानता है क्योंकि वो टिबेट को अपनी टेरिटरी समझता है और तवांग का जो टाउन है ये आज के दिन अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, उन दिनों टिबेट की कॉलोनी हुआ करता था। साल 1912 में जब चाइना में चिन डायनेस्टी का रूल खत्म हुआ और रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ, तभी से ही ये नया चाइना का देश अपनी टिबेट के ऊपर ओनरशिप क्लेम करता है। उन दिनों ब्रिटिश राज नहीं चाहता था कि ये टेरिटरी चाइना के हाथों चली जाए, तो साल 1914 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है ब्रिटिश के द्वारा शिमला में। इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन, चाइना और टिबेट तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं। अब हालांकि चाइना इस शिमला कन्वेंशन को साइन नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश और टिबेट के लोग मिलकर बायलैटरल एग्रीमेंट बना लेते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत एक बॉर्डर बनाया जाता है और यहीं से ही ये मैकमहन लाइन निकल कर आती है। बाद में ब्रिटिश ने एडमिट भी किया था कि इस मैकमहन लाइन को बनाने के पीछे एक कारण था कि टिबेट से तवांग का ये टाउन ले लेना और अपने पास रख लेना। इवेंचुअली आगे चलकर इंडिया और चाइना दोनों को प्रॉब्लम्स होने लगी इस मैकमहन लाइन से। चाइना का जो पर्सपेक्टिव था वो तो ऑलरेडी बता दिया, बड़ा ऑब्वियस था कि तवांग का टाउन वो टिबेट का हिस्सा मानता था, इसलिए मैकमहन लाइन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता था। लेकिन इंडिया को भला क्या प्रॉब्लम थी इस मैकमहन लाइन से? हुआ क्या कि साल 1947 में आजादी मिलने के बाद इंडियन मिलिट्री ने उस एरिया में पेट्रोल करना शुरू किया और उन्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली। उन्होंने देखा कि जो सबसे ऊंची पहाड़ियां थी उस जगह पर, वो मैकमहन लाइन के और भी ज्यादा नॉर्थ में थी। थागला रिज फॉर एग्जाम्पल इस लाइन के 6 किलोमीटर और नॉर्थ में था। इंडिया चाहता था कि जो एक्चुअल बाउंड्री है वो नेचर के हिसाब से डिसाइड करी जाए। हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ियों को या नदियों को बॉर्डर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि नेचुरल बॉर्डर्स बन सके। इसलिए इंडिया ने अपनी मिलिट्री पोस्ट को थोड़ा आगे और एक्सटेंड करना शुरू किया। इसकी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं वेस्टर्न सेक्टर को। वेस्टर्न सेक्टर यानी अक्साई चिन का जो रीजन है वो बहुत लंबे समय से इग्नोर रहा था इतिहास में, क्योंकि ये इतना रिमोट और इतना आइसोलेटेड एरिया है। ये एरिया सिख एम्पायर में राजा गुलाब सिंह के अंडर आता था। साल 1846 में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इस एरिया को टेक ओवर कर लिया और गुलाब सिंह को अपने अंडर एक महाराजा बना लिया। ब्रिटिश ने इसके बाद अपनी कोशिश करी प्रॉपर बाउंड्रीज बनाने की। वो चाइनीज और टिबेटन ऑफिशियल से मिलने गए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उन्होंने लिखा, सिंस नीदर द चाइनीज नॉर द टिबेटन्स वुड कोऑपरेट, देयर कुड बी नो डीमार्केशन ऑफ द टिबेट लद्दाख बाउंड्री इन 1846। लेकिन साल 1892 में चाइनीज ने अपना एक बाउंड्री मार्कर लगा दिया। आगे चलकर ब्रिटिश के द्वारा दो कॉन्फ्लिक्टिंग बाउंड्री लाइंस बनाई जाती हैं अलग अलग समय पर।
पहली 1865 में जॉनसन लाइन। इसे बनाया गया था सर्वे ऑफ इंडिया के सिविल सर्वेंट विलियम एच जॉनसन के द्वारा। साल 1897 के बाद इसी लाइन को आर्डाक जॉनसन लाइन बुलाया जाने लगा, क्योंकि इस लाइन को फॉर्मली प्रपोज किया गया मेजर जनरल जॉन चार्ल्स आर्डाक के द्वारा। ये ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे उस वक्त। इस बाउंड्री लाइन के अनुसार अक्साई चिन का रीजन कश्मीर के अंडर था, इंडिया का हिस्सा था। गूगल अर्थ पर देखोगे इसे तो ये लाइन काराकोरम पहाड़ियों की रेंज को इंडिया के हिस्से में डाल देती है, और ये लाइन खुद कुनलुन माउंटेन्स की रेंज के लॉन्ग चलती है। साल 1893 में एक सीनियर चाइनीज ऑफिशियल हुंगटा चेन ने अपना एक नक्शा बनाया था, और इस नक्शे में भी अक्साई चिन को इंडिया का ही हिस्सा दिखाया गया था। इस नक्शे की लाइन जॉनसन लाइन से ऑलमोस्ट सेम थी। लेकिन इसके अलावा ब्रिटिश के द्वारा एक दूसरी बाउंड्री लाइन बनाई जाती है साल 1899 में, जिसका नाम है मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। इसे इनिशियली सजेस्ट किया गया था ब्रिटिश काउंसिल जॉर्ज मैकार्टनी के द्वारा, और चाइनीज लोगों को ये प्रेजेंट किया गया सर क्लाउड मैकडोनल्ड के द्वारा। यहां से इस लाइन का नाम आता है। ये लाइन वॉटरशेड डिविजन्स पर बेस्ड थी। इसका मतलब है कि दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाना नेचुरल ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि अगर कोई नदी बह रही है दो देशों के बीच में से, तो उस नदी को ही बाउंड्री लाइन बना देना, या फिर कोई पहाड़ियों की रेंज है तो सबसे टॉप वाली पीक को बाउंड्री लाइन बना देना। इस चीज को ज्योग्राफी में वॉटरशेड डिवीजन कहा जाता है। जॉनसन लाइन का कंपैरिजन मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन से इस नक्शे में आप देख सकते हो। इस नई लाइन के अनुसार काराकोरम रेंज की पहाड़ियां ही खुद बाउंड्री बन रही हैं। लेकिन इन दोनों लाइंस के बीच में डिफरेंस इतना बड़ा है कि दूसरी लाइन चूज करने का मतलब ऑलमोस्ट आधा अक्साई चिन का रीजन चाइना के पास जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार ने लाइन चाइनीज की चिन सरकार को प्रपोज करी, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन फिर भी साल 1959 तक चाइना ने इस मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन को ही इनफॉर्मली एक्सेप्ट कर रखा था। अब नक्शा समझ लिया, अपनी कहानी पर वापस आते हैं। मैंने कहा था साल 1959 में फर्स्ट मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला दोनों देशों में। लेकिन इससे दो साल पहले ही 1957 में ही चाइना ने अक्साई चिन में सड़क बनानी शुरू कर दी थी। लद्दाख और NEFA में बड़े-बड़े एरियाज चाइना क्लेम करने शुरू कर चुका था, और ये देखकर पंडित नेहरू का हिंदी चीनी भाई भाई से भरोसा उठने लग गया था। साल 1958 में पंडित नेहरू उस वक्त के इंडियन एम्बेसडर टू चाइना जी पार्थ सारथी को कहते हैं, इन चाइनीज पर कभी भरोसा मत करना। नेहरू ने ये भी कहा कि अभी के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं VK कृष्णा मेनन, उनके थ्रू कम्युनिकेशंस को मत ले जाना, बायपास कर लेना उन्हें। क्योंकि नेहरू को लगता था कृष्णा मेनन बड़े कट्टर कम्युनिस्ट हैं, और उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चाइना पर उनकी राय में इंटरफेयर करेगी। हो सकता है वो विचारधारा के प्रभाव में आकर चाइना को एक न्यूट्रल नजरिए से ना देख पाए। पंडित नेहरू का शक यहाँ पर जायज था, क्योंकि चाइनीज प्रीमियर बातों बातों में तो कहते कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडियन टेरिटरी पर, लेकिन नक्शों में कुछ और ही दिखाया जाता, सड़कें वहीं बनाई जाती। इस तरीके से एक रिलायबल रिश्ता कैसे बनता? फाइनली जाकर मार्च 1959 में जब दलाई लामा इंडिया में रेफ्यूज लेते हैं, चाइना के लिए ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। वक्त के सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव एक्चुअली में ब्लेम माओ ज़ेडोंग पर डालते हैं और नेहरू को सपोर्ट करते हैं। तो माओ को लगता है कि इंडिया की कोई कंस्पिरेसी चल रही है यहाँ पर। टिबेट में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो शायद इंडिया की वजह से ही हुई है। इस गुस्से में चाइनीज सरकार अब ईस्टर्न सेक्टर में मैकमहन लाइन को भी ब्रीच कर देती है। उस लाइन के नीचे के एरियाज को भी क्लेम करने लग जाती है। इसी बीच चोउ इनलाई इंडिया आते हैं डिप्लोमेटिक बातचीत करने के लिए। वो पंडित नेहरू को ऑफर करते हैं, हम अपना क्लेम NEFA से हटा देंगे अगर इंडिया अपना क्लेम अक्साई चिन से हटा दे तो। पंडित नेहरू को ये सुनकर लगता है कि ये क्या है, मतलब कुछ भी ऑफर करने लग जाओगे, अपनी मर्जी से कुछ भी क्लेम कर लोगे और कुछ भी ऑफर हमें दोगे। वो सीधा इसे मना कर देते हैं। 24 अप्रैल 1960 में नेहरू और चोउ के बीच में बातचीत हुई थी, और एग्जैक्ट मैं आपको इसके शब्द पढ़ के सुनाता हूँ। नेहरू कहते हैं, जहां तक मुझे याद है चाइनीज सरकार ने तो कभी हमारे नक्शों पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। तुम लोगों ने अचानक से पिछले साल के बीच में ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया हमारे नक्शों पर। नॉर्मली देखा जाए तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें बताओ अगर किसी चीज को लेकर ऑब्जेक्शन है तो। हमें तो ऑब्वियसली लगता था कि आप हमारे नक्शों को एक्सेप्ट करते हो क्योंकि आपने यही कहा था इससे पहले। चोउ इनलाई जवाब में कहते हैं, हम मैकमोहन लाइन और शिमला कन्वेंशन को रेकग्नाइज नहीं कर सकते। अगर हम साथ में कोई सेटलमेंट कर लें तो नेचुरली हम भी अपने नक्शों को बदल डालेंगे, लेकिन सेटलमेंट साथ में करनी पड़ेगी दोनों देशों को, और दोनों देश साथ में अपने नक्शे बदले। नेहरू कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं एक सोल्यूशन निकालने की यहाँ पर फ्रेंडली तरीके से, जिससे दोनों देशों का सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन रह सके। ये बातचीत काफी लंबी चलती है लेकिन कोई कंक्लूजन रीच नहीं हो पाता।
चाइनीज के अनुसार वो इंडिया में इन्वेड नहीं कर रहे थे, वो बस अपनी राइटफुल टेरिटरी को रिक्लेम कर रहे थे। लेकिन अगर इंडिया को अपनी टेरिटरी यहाँ पर डिफेंड करनी थी तो उन्हें चाइनीज को पीछे धक्का मारना था। और यहाँ से शुरू होती है पंडित नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार मिलिट्री आउटपोस्ट और बॉर्डर पेट्रोलिंग चालू करी जाती है कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में। आइडिया यहाँ पर सिंपल था, इंडियन सोल्जर्स आगे जाकर मिलिट्री आउटपोस्ट सेटअप करेंगे और जो जमीन इंडिया की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द बॉर्डर लाइंस वो इंडिया के क्लेम में आ जाएगी। यहाँ पर पंडित नेहरू ने एक्सपेक्ट किया था कि चाइना रिटेलिएट नहीं करेगा, जंग पर नहीं जाएगा इंडिया के खिलाफ इस चीज को लेकर। इंटरेस्टिंगली इसी फॉरवर्ड पॉलिसी को कारण बताया जाता है जिसकी वजह से वॉर एक्चुअली में जाकर हुई। इंडिया के इन आउटपोस्ट के जवाब में चाइना एक आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस का फॉर्मूला अपनाता है कि हम भी हथियार उठाकर अपने सोल्जर्स को भेजेंगे कि मिलिट्री आउटपोस्ट खड़ी करो, पेट्रोलिंग करो इन जगहों पर। चाइना का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑर्डर करता है कि मैकमहन लाइन को पेट्रोल किया जाए चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा। माओ ज़ेडोंग इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी को एक स्ट्रेटेजिक मूव समझता है चेस के गेम में। कृष्णा मेनन ने भी आगे चलकर कहा था कि यहाँ अगर एक चेस का गेम ही चलते रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस समय तक कोई भी लड़ाई देखने को नहीं मिली थी, लेकिन धीरे धीरे इन माइंड गेम्स के चलते ही दोनों देशों के बीच में मिसट्रस्ट और एग्रेशन बढ़ने लगा। 10 जुलाई साल 1962 चाइना के करीब 350 जवान एक इंडियन पोस्ट को घेर लेते हैं। ये होता है लेह के चुशुल गाँव में। वहाँ मौजूद गाँव वालों को ये भड़काने लगते हैं कि इंडिया के खिलाफ एक स्टैंड ले। वो बातों बातों में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता है यहाँ पर लाउड स्पीकर पर। इसके रिस्पांस में इंडिया 22 जुलाई को अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को और एक्सटेंड करता है। सोल्जर्स को कहा जाता है कि चाइनीज को पुश बैक करो और अगर खतरा महसूस हो तो उन पर फायर भी कर दो। इससे पहले गोली चलाने की सिर्फ तब परमिशन दी गई थी जब सेल्फ डिफेंस हो, अगर चाइनीज हम पर गोली चलाए तभी गोली चलाना, लेकिन अब कह दिया गया कि हम पहला वार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे इंडिया का स्टांस क्लियर होने लगता है कि पीछे नहीं हटना अगर कोई हमारी टेरिटरी के अंदर घुस जाए तो। चाइना और स्ट्रॉन्गली रिटेलिएट करने लगता है। ईस्टर्न सेक्टर में एक एरिया है ठगला रिज नाम से, ये मैकमहन लाइन के करीब 5 से 6 किलोमीटर ऊपर था। अगस्त के महीने में चाइना यहाँ पर करीब अपने 200 ट्रूप्स को भेजता है पेट्रोलिंग के लिए। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि हफ्तों का समय लगता था हाइक करने में, लेकिन धीरे धीरे चाइना इस एक एरिया में बहुत सारे ट्रूप्स भेजे जा रहा था। सितंबर तक 600 ट्रूप्स इस एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। 10 अक्टूबर साल 1962 सुबह के 8 बजे थे। हमारे फौजी लोग रोजमर्रा की एक्टिविटीज में बिजी थे कि अचानक से चाइना के सोल्जर्स भारी तादाद में हमला बोल देते हैं। यहाँ पर सिर्फ 56 इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे, दूसरी तरफ 600 चाइनीज ट्रूप्स। हमने पहले अटैक से तो किसी तरीके से बचा लिया अपने आप को, लेकिन 9:30 बजे दूसरा अटैक किया जाता है। मोर्टार फायर और बमबारी करने लगते हैं चाइनीज सोल्जर्स। द चाइनीज आर्मी लॉन्च्ड अ मैसिव अटैक ऑन इंडिया बोथ इन लद्दाख एंड इन द नॉर्थ ईस्ट। हमारे फौजी भी मोर्टार और मशीन गन की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर जॉन डालवी का कहना था कि नहीं, इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है वॉर लड़ने के लिए। चाइनीज सोल्जर्स तीसरी बार हमला बोलते हैं 3 दिशाओं से और इस बार कोई और ऑप्शन नहीं बचा था पीछे हटने के अलावा। ये सब हुआ सिर्फ कुछ चंद घंटों के अंदर। इस बारी चाइनीज सोल्जर्स बहुत ही हैवी रीइंफोर्सिंग करते हैं अपनी पोस्ट की। बार्ब्ड वायर्स लगाई जाती हैं, भारी मोर्टार्स बिछाए जाते हैं। इंडियन सोल्जर्स अनफॉर्चुनेटली देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे क्योंकि काउंटर अटैक करने के लिए मैन पावर और हथियारों की सख्त कमी थी। द इंडियन आर्मी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच अ फुल स्केल इन्वेजन। नेहरू वाज शॉक्ड बाय दिस अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑफ ट्रेचरी। कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों 1962 वॉर की। आज के दिन इतिहास में वापस देखकर कहना आसान है कि इंडिया ने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया और ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी, लेकिन अगर आप उस समय में होते तो आप भी शायद ऐसा ही सोचते क्योंकि इंडिया के सारे टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स का यही मानना था। आर स्वामीनाथन इस पेपर में लिखकर बताते हैं कि कैसे हाई रैंक मिलिट्री लीडर्स ने अगस्त 1962 में ही चाइना के साथ वॉर को रूल आउट कर दिया था। वो कॉन्फिडेंट थे कि चाइना कभी वॉर नहीं करना चाहेगा। इनफैक्ट सितंबर 1962 में मेजर जनरल जेएस ढिल्लन ने भी सेम चीज कही थी। अभी तक जो उनका एक्सपीरियंस रहा था चाइनीज सोल्जर से डील करने का, उन्होंने यही देखा था कि थोड़ी बहुत गोलियां चला दो वो पीछे मुड़ के भाग लेते थे। यही कारण है कि इंडियन आर्मी कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड थी जब ये पहला हमला किया गया। इसके करीब 10 दिन बाद वॉर की ऑफिशियली शुरुआत होती है। इंडियन फोर्सेस किस तरीके से प्रिपेयर करके काउंटर अटैक करती हैं, कौन से एरियाज को वापस जीता जाता है और कौन से एरियाज इंडिया हार जाता है, और पंडित नेहरू का क्या रिएक्शन रहता है इस वॉर के खत्म होने के बाद,
ये सारी चीजें जानते हैं इस वीडियो के पार्ट टू में। पिछली बारी की तरह पार्ट टू वाला वीडियो 2 से 3 हफ्ते बाद रिलीज होगा। अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हैं तो आपको पार्ट टू का लिंक नीचे पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। नहीं तो अभी के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया तो कारगिल वॉर वाला वीडियो भी जरूर आपको पसंद आएगा, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने कारगिल वॉर की पूरी कहानी सुनाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।